और स्ट्राइक पर देखिए मिस्टर 360 दिनेश के साथ शुरुआत की है और नया बैट ओह क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी, कमबैक किया है और देखिए फील्डिंग, देखिए कमाल की फील्डिंग देखने को मिली है। चार गेंदें और 9 रन हो चुके हैं। पावर प्ले की है पहली ओवर और शायद दिनेश जिस रफ्तार के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था अब देखिए मारुल का विराट कोहली किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। वो जब बल्लेबाजी करने से पहले चारों ओवर निगाह फेर लेते कि कहाँ पर फील्डर नहीं है। ओहो बहुत ही ज़बरदस्त गेंद यॉर्कर डाली थी यहाँ पर ताकि बड़ा शॉट नहीं निकले। 5 गेंदों में अभी 10 रन आ चुके, 1 विकेट लेने में सफल रहा ये। ओह क्या गजब का शॉट खेला है यहाँ पर। यहाँ पर अगर सटीक थ्रो होता ना तो यहाँ पर रनआउट का चांस बनता था। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर कालेवाड़ी किंग 11 का। देखिए कालेवाड़ी किंग के भामाशाह है मुझे लगता है सीए रतन आर चौधरी, ये टीम के ऑनर है जिनका सीए का एक बहुत बड़ा नाम है सीए में, जो मोरवाड़ी पिंपरी में है। अगर किसी को भाई को भी अपनी फाइल रिटर्न या कुछ भी समस्या हो तो सीए रतन साहब से मिल सकते हो, जो अपने समाज से है और आपको बहुत ही अच्छा सलाह देंगे। कहते हैं ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीए साहब का सलाह भी लेना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी ये हमेशा सलाह देते हैं कि सैंडी भाई किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और इनको क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है ना, ज़बरदस्त है भाई क्रिकेट के प्रति, मैं देखता हूँ दीवानगी। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो क्या फाते है, खेल फाज में यहाँ पर आए हैं पी प्रकाश। दोनों टीम के लिए ड्यू एंड डाई, करो या मरो, जो गलती किया अब नहीं करनी है। प्रकाश मैन फ्रॉम विकनवास, वाइट का इशारा। और ये बड़ा मंच बड़ा पंच, ये बनेगा सरपंच, गेंद जाएगी सी मार। ओहो अरे ओ प्रोमना, कटे जावी रही हो, कैश ले रही हो, क्या जबरदस्त कैश लिया है प्रोमना ने मैदान के बाहर। देखिए अब इस टूर्नामेंट एपीएल सीजन 9 में मैंने देखा है कि सबसे ऊपर नंबर 1 बैटर पे है डाया धवली जो 104 पे है, दिनेश चौधरी सेकेंड नंबर पे 84 और योगेश 76 पर है। क्या बात है, ओह गजब का ये शॉट है, और शॉट नहीं ये स्टेट ड्राइव हॉट है। और बॉलिंग में देखिए स्वरूपगंज का बाहुबली गणेश चौधरी नंबर 1 पर है 6 विकेट लेकर, और सेकंड नंबर पे है केडी किशोर चौधरी जो फाइनल में जा चुके हैं, थर्ड नंबर पे है माना जो अभी सेमीफाइनल में, तीनों में रेस लगी है। और बेस्ट फील्डरों में से है सोनेश, क्या बात है, नंबर 1 पर है, सेकेंड पे है AKM और थर्ड पर है दिनेश। ओह हाफ ट्रैकर गेंद और यहां पर भेज दिया तारा मंडल में, क्या बात है, ये लगा सिक्सर शूरवीर फिर चैंपियन कनेक्टिक इंडिया। ओह क्या बात है, परफेक्ट यॉर्कर,
ओहो क्या गजब का शॉट है, और खेल जाएगी सीमा रेखा पर चौकार। ये अजारी का युवा स्टार मिला है यहाँ पर अंजना प्रीमियर लीग में, क्या बात है। और इस अजारी से बिलोंग करते मेरे खास दोस्त गणेश भाई चौधरी, और लगता है इस खिलाड़ी को लाने में हाथ है दिनेश मांडवाड़ा। हाँ, क्योंकि उनके पट्टे के ये खिलाड़ी है, क्योंकि इस खिलाड़ी को मैं यहाँ पर पहली बार दूसरी बार देख रहा हूँ जो अजारी बेस को देखा था, लेकिन अब ये उभरता सितारा। ओहो क्या बात है, लोअर फुल टॉस गेन और बेहतरीन फील्डिंग। नहीं, अब पूरी जिम्मेदारी विष्णु के कंधे के ऊपर है, विष्णु यहां पर रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी मदार है इस टीम की। क्योंकि देखिए इसके बाद भी है संजू है, जैसे गणेश बाहुबली है, कैलाश बाहुबली है, एक से बढ़कर एक धुरंधर यहाँ पर देख सकते हो। दो ओवर के समाप्ति के बाद कालेवाड़ी किंग इलेवन टीम का स्कोर जो हो चुका है 33 एक विकेट के नुकसान पर। सोलह 16 पॉइंट करंट रन रेट है 16.50, प्रोजेक्ट स्कोर बनेगा 132, क्या बात है। जो दिनेश भाई ने कमेंटमेंट किया 120 130 उसके बराबर से चल रही है। दिनेश भाई जो विकनवास से बिलोंग करते हैं, जो कप्तान हैं, उन्होंने कमेंटमेंट दिया है कि 120 130 तक जाएंगे, लेकिन एनवी ने यहां पर कमेंटमेंट स्वीकार किया है कि भाई 70 के अंदर रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और गेंदबाज में फिर से एक बार युवा स्टार भामरा का सुपरस्टार सुरेश। ओहो मारोल का विराट कोहली निकली है बंदूक से गोली, क्या बात है। ये लगा चौकार शुरवीर, फिर चैंपियन कनेक्टिंग इंडिया। अगर ये खिलाड़ी 8 ओवर तक खड़ा रहा ना, तो भाई क्रिकेट ने क्रिकेट का महासंग्राम रच देगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग मैंने बाखूबी से देख ली है, और लेदर भी काफी जबरदस्त क्रिकेट रही है। ये लिए शूरवीर सैंडी को सलामी देने के लिए, और यहां पर डीके कैच पकड़ते हुए दो गेंदों में यहां पर 10 रन, क्या बात है। यहां पर जिस तरह से आशापुरा 11 ने जो बैटिंग की थी ना, शायद ये टीम ने पूरी बैटिंग देख ली है किस तरह बल्लेबाजी करनी, क्योंकि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का ये जो फैसला है ना कप्तान दिनेश मैन फ्रॉम मारोल, ये फैसला सही है। स्लोवर गेंद वेट एंड वॉच किया और भेज दिया तारा मंडल में, ताकती से वापर टाइमिंग प्रॉपर और गेंद मिलेगी हाउ वाइज सफर 6 रन के लिए, क्या बात है। 3 गेंदों में यहां पर 16 रन आ चुके, और लगता है माउंट आबू की तरह पहाड़ खड़ा करेगी टीम, क्योंकि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49-2.3 यानी 15 बॉल में, क्या बात है। अपने आप से नाराज यहां पर विष्णु, देखिए और एक बनना चाहिए रन, लेकिन नहीं यहां पर रिस्क नहीं लेगा, वो जानता है यहां पर मुझे बैटिंग नहीं चाहिए, मैं ना सूरत देखता हूं ना मूरत देखता हूं, मैं सिर्फ टीम की जरूरत देखता हूं, क्योंकि पहली विकेट यहां पर गिर चुकी है, तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेकर चलेगा, क्योंकि मारोल का ये सुपरस्टार है। सुरेश भामरा ये कैच बनना चाहिए, लेकिन गेंद जाएगी 6 रन के लिए, ये अजारी का युवा स्टार है, अब यहां पर पलटवार करता हुआ 6 रन के लिए। जिस क्या बोल रहे, हाँ क्या बात है। यहां पर जबरदस्त स्ट्रोक मिला है और कमाल की फील्डिंग विष्णु, क्या बात है। और यहां से ओहो मिल जाएंगे 2 रन, क्या बात है। अब यहां पर जान लगानी होगी टीम कालेवाड़ी किंग को। देखिए पहली ओवर में यहां पर सुरेश भामरा को सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या रन निकले, 2 ओवर में सुरेश भामरा के रन आए 36, एक विकेट जरूर चटकाया 18 की स्ट्राइक रन रेट से। अब गेंदबाजी में किसको लाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, एनवी यानी प्रकाश या काना या माना, कौन होगा इस सेमीफाइनल का दीवाना। देखिए गेंदबाजी में आ चुका है काना,
मैन फ्रॉम दात्राई, काना दात्राई ना, इधरला, ओके काना मैन फ्रॉम इधरला। तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखिए, हिमांशु भाई 58, क्या कहना चाहेंगे, कहां तक जाएगी ये टीम आपके हिसाब से? तीन ओवर में 58, लगभग 19 के रन रेट से कर रही बल्लेबाजी, क्या लगता है आपको आठ ओवर में कहां तक पहुंच सकती है? मैंने दिनेश भाई को कहा था कि उन्होंने बोला था कि हम 120-30 पहुंच जाएंगे, तो वहां तक ये पहुंच जाएंगे। इस गेंद को भी उठा के खेला, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए एक और शानदार छक्का यहां पर लगता हुआ। मारुल का विराट कोहली, सूरत का नंबर टॉप 10 में आता है ऑलराउंडर, नाम है मारुल का विराट कोहली। विष्णु क्या जबरदस्त पारी खेली है। देखिए सूरत में अपने समाज के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा नाम किया है, जैसे बिन मैन फ्रॉम रोहित, वीरू सरदारपुरा, विष्णु मारुल, यहाँ पर बेरा पोलार्ड और दिनेश मांडवाड़ा और सोनू लेप्टी, इन खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा नाम किया है सूरत डिस्ट्रिक्ट में। ओहो, क्या बात है, गजब का स्ट्रोक देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए पहले दो मैच में विष्णु को उतना मौका नहीं मिला बल्लेबाजी करने का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिनेश भाई बल्लेबाजी कर रहे थे, तो विष्णु शांत था। कहते हैं ना कौन मैक्सवेल बनेगा बनता है ना, तो उसी टाइम दिनेश विष्णु वहां पर बन रहा था पैट कमिंग्स यानी स्लोवर, खाली स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। और विष्णु देखिए 3-7 गेंदों में 30 रन की पारी खेल रहा है, और जिसमें से 4 छक्के, जोरदार टलिया बजना चाहिए इस बैटर के लिए। लेकिन महेंद्र भी कम नहीं है उससे, 10 गेंदों में 30 रन की पारी, जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहा है। इसके बाद संजू है और फिर दो बाहुबली को, क्या बात है, प्रोमना यहां पर फटाका बजा रहे किसके लिए? लिखवा लीजिए 4 रन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर क्या चमत्कार, क्या कुछ तो टोटका हुआ इस मैदान पर भाई। जो दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर गेंदबाजों को दिक्कत आ रही है। 3 गेंदों में यहाँ पर 16 रन बना चुका है इस ओवर में काना के, और काना ने क्वार्टर फाइनल में जोरा 11 के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वो यही काना था। लेकिन अब देखिए, कहते हैं ना हर किसी के दिन रहते हैं, आज तेरी बारी तो मेरी बारी, कहते हैं ना पत्थरों से यारी है, अब हमारी बारी है। कल आपने देखा होगा कि सर जड्डू ने, विष्णु ने 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए थे और 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया होता अगर वो क्या 4 कैचेस ना छूटते। लेकिन आज वही विष्णु को स्लोवर गेंद, 5-6 गेंदों में 28 रन आ चुके, ये है क्रिकेट। ओहो, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकते। चौथी ओवर प्रगति पर परे कालेवाड़ी किंग 11 75 पर पहुंच चुके, जिस आशा पूरे ने रफ्तार पकड़ी थी ना उसी तरह, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह अगर बल्लेबाजी करेगी ना तो आशा पूरा को टेक ओवर कर सकती है। करंट रन रेट है 20.45 और प्रोजेक्ट स्कोर बनेगा 164, क्या बात है, जिसमें महेंद्र चौधरी 10 गेंदों में 30 रन की पारी खेल रहे हैं और यहां पर विष्णु 9 गेंदों में 35 रन, और काना की ये पहली ओवर है, 4 गेंदों में अब तक 17 रन खर्च किया, कोई सफलता नहीं मिली है। देखिए अब अहमदाबाद का सुपरस्टार यहाँ पर संजू पैवेलियन में बैठे, और सिरोही का सुपरस्टार कैलाश बाहुबली सेलवाड़ा से बिलोंग करते, उनको तो बल्लेबाजी करने का मौका तक नहीं मिला है। और गणेश बाहुबली को तो आप जानते हो भाई, गणेश बाहुबली अगर इसकी बल्लेबाजी चली ना तो भाई गेंदबाजों की खलीबली। देखिए मैंने पुणे के मैदान में जब देखा स्पार्क ग्राउंड में, तो सबसे लंबे छक्के मारने में 3 खिलाड़ियों का नाम आता है, एक तो गणेश बाहुबली, दूसरे दलाराम चौधरी कृष्णागंज का पोलार्ड, और तीसरे एके आकाश उड़वाड़िया, ये इन्होंने स्पार्क ग्राउंड में सबसे लंबे छक्के मारे थे। वाह क्लास, देखिए ओह, और एक विकेट का पतन, क्या बात है, काना को सफलता मिली है। महेंद्र चौधरी बैक टू द पैवेलियन, और देखिए अब आ रहे बाहुबली, क्या बात है, खुद एक पीटीआई टीचर है और बेहतरीन भूमिका जानते किस तरह बल्लेबाजी करना, और बहुत ही डेंजर पावर हिटर माना जाता है इनको। देखिए अब संजू को यहाँ पर पीछे रखा है क्योंकि सेमीफाइनल है, और ये जानते हैं क्योंकि ये गणेश बाहुबली मैच फिनिशर है, इसको 10-12 भी गेंद मिली ना तो 5-6 पिक्स है इसके, क्योंकि इसके कलाई में जो ताकत है ना, तो गेंद अगर रडार में आए तो भाई इस ग्राउंड के बाहर से आपको लानी पड़ेगी, ये इस खिलाड़ी की ताकत है। लेकिन जागेश्वर किंग के पास वो गेंदबाज है काना, जो कमबैक करना जानता है, अब गेंदबाज को विकेट टेकर गेंदबाज को लाना पड़ेगा, क्या बात है, फटाकों की आतिशबाजी यहाँ पर पहले से शुरू हो चुकी है।
75 कालीबाड़ी किंग 11, सीए रतन साहब की यह टीम है और जागेश्वर 11, ये दोनों के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं क्रिक लाइव्स के जरिए। व्हाइट बॉल का इशारा, देखिए ये गेंद अगर उसके रडार में आती ना तो सीधी मैदान के बाहर जाती, क्या बात है। चौथी ओवर की आखिरी गेंद और स्कोर देखिए कालीबाड़ी किंग का 76, मैच तो लगभग हो गए फिक्स। व्हाइट बॉल का इशारा, यहां पर खाना स्लोअर गेंद डाल रहा है क्योंकि मालूम है तेज तर्रार डाल गेंद डालूंगा तो इसकी तलवार की तरह बल्ला चलता है, तो खाना यहां पर स्लोअर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इस ओवर की आखिरी गेंद है चौथी ओवर की, फिर से व्हाइट लगातार तीन गेंदे यहां पर व्हाइट, ये देखिए ये गेंद तेज तर्रार है। देखिए गणेश बाहुबली है चाला खिलाड़ी, बेस्ट ऑलराउंडर में से एक, टॉप 10 में इस खिलाड़ी का नाम आता है, आइकॉन में इस खिलाड़ी का नाम आता है। वो जानता है जब गेंदबाज गेंद रिलीज करता है ना वो स्लोअर डाल रहा है या फास्टर, वो बाखूबी से जानता है। ऐसे ही नहीं इस खिलाड़ी को इतनी दूर से बुलाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके बैट पर बॉल है ना उसे दुनिया भर का कॉल है, ये डायलॉग याद में रखो, जिसके बैट पर बॉल है ना उसे दुनिया भर का कॉल है, वरना कितने जन को तो मिस कॉल भी नहीं है। ये भाई लेना तेरी टीम में, पानी देने के लिए रखना। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद और यहां पर चार ओवर की समाप्ति के बाद 78 दो विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट है 19.50। प्रोजेक्ट स्कोर बनेगा अगर इसी तरह अगर बल्लेबाजी करेगी टीम कालीबाड़ी तो 156 तक पहुंच सकती है, लेकिन यहां पर विकेट लेने चाहिए टीम। जागेश्वर को यहां पर विकेट चटकाने की जरूरत है क्योंकि देखिए दो विकेट तो गिर चुके हैं लेकिन पूरी टीम पैक है यहां पर। देखिए क्या बात है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में सबसे टॉप में है डाया धौली और सेकंड नंबर पे किशोर केडी और थर्ड नंबर पर योगेश, क्या बात है। अब तक बैटिंग में भी डाया नंबर वन पर है लेकिन अब डाया यार से बाहर हो चुका है तो दिनेश को चांस है। ओह क्या बात है, लेकिन दिनेश को चांस तभी मिलेगा आज यहाँ से फाइनल मैच आएंगे तभी, क्योंकि दिनेश से उम्मीद थी कि टेक ओवर, लेकिन दिनेश को लगता है एक मैच कम खेलने को मिला है शायद, हाँ एक को बाई मिला था। प्रकाश गेंदबाजी करते हैं, झकास विकेट टेकर गेंदबाज को यहां पर लाया है। ओहो यारकर सटीक यारकर और इसका सम्मान दिया और एक रन, काना बेहतरीन फील्डरों में से एक है यहां पर एक रन, क्या बात है। माना धान की आन बान शान ये भी विकेट टेकर गेंदबाजों में नंबर टू पे है, लगता है छठी ओवर के बाद इनको लाएंगे, छठी और आठवीं ओवर इनसे कराएंगे ऐसा प्लान है लगता है। ये लीजिए मंगवा लीजिए, इसके रडार में गेंद आती है ना, देखिए अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ था, अगर अच्छा कनेक्ट अगर इसके होगा ना तो कितनी गेंद लंबी मार सकता है ये, इसलिए इस खिलाड़ी का नाम बाहुबली नहीं है भाई, जबरदस्त ताकतवर खिलाड़ी है और खुद एक पीटीआई टीचर है। देखिए अब गेंदबाज प्रकाश को वेरिएशन करना चाहिए, ऑफ कटर लेग कटर यॉर्कर बाउंसर स्लोवर तो ही बच सकते हैं इस विकेट के ऊपर। 85 पर पहुंच चुके टीम कालीबाड़ी। ओहो यॉर्कर नहीं, ये भाई सटीक जाएगी चौकार, क्या बात है, स्ट्रेट ड्राइव गणेश बाहुबली के बल्ले से निकला ये दमदार चौकार। देखिए अब तक तीन गेंदे खेली है और तीन गेंदों में देखिए 10 रन बना चुका है, 333 का स्ट्राइक रन रेट है, 333.33 क्या बात है, 3-3-3-3 जबरदस्त खिलाड़ी है। प्रकाश कमबैक करना जानता है लेकिन फिर से परफेक्ट गेंद आई नहीं थी, मेस फील्ड और मिलेंगे 4 रन। बॉल 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 क्या बात है, नसीब का साथ मिलता हो, काना से ये उम्मीद नहीं थी, काना तुम्हारी गेंदबाजी का पूरा समाज है दीवाना लेकिन इस तरह की फील्डिंग नहीं चाहिए भाई, हमें पता है कि तुम्हें इंजरी हो चुकी है, कमर में थोड़ी सी मौच आ चुकी है, यहां से बहुत ही दर्द हो रहा है लेकिन तुमने कहा कि मैं खेलेगा। कालीबाड़ी किंग 93 पर पहुंच चुकी है,
यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन अब कहना छोड़ेंगे नहीं। क्या जिस तरह से आशापुरा के भामाशाह ने कहा था कि उनकी टीम अगर 100 रन क्रॉस करेगी तो 1000 रुपया मिलेगा दिनेश भाई चौधरी की तरफ से, क्या कालेवाड़ी के भामाशाह नहीं है क्या? उनकी टीम 100 क्रॉस करेगी तो 1000 रुपया इनाम। भाई खिलाड़ियों को जोश बनना चाहिए, जैसे महेंद्र भाई है जो जागेश्वर के भामाशाह है, उन्होंने भी बोली लगाई थी, बोली लगनी चाहिए भाई। हाँ देखिए, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 94 दो विकेट के नुकसान पर। और नए गेंदबाज पिंटू चौधरी, क्या बात है, पिंटू ने पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस किया था, लाजवाब बैटिंग, लाजवाब बॉलिंग किया था। और देखते हैं कप्तान, यहाँ पर पिंटू के हाथ में गेंद समाई है क्योंकि अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है, और इसी तरह अगर बल्लेबाजी करेगी तो 150 तक पहुँच सकती है क्योंकि करंट रन रेट 18.80। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस, अब राइटी एडवांटेज बैटर की दिवाली है, गेंद को बैट पर लेना है, मैदान के बाहर दे देना है। ओह क्या बात है, सटीक यॉर्कर। और देखिए अच्छे खिलाड़ी की पहचान, देखिए कि अच्छे गेंद का सम्मान देते हैं और खराब गेंद का समाचार लेते हैं। इस गेंद को मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए भाई, गेंद जाएगी कितना, अंपायर क्या है, चौका, ओके, वन बाउंस चौका, गणेश बाहुबली को मिल गया मौका, गेंद को भेजा है चौका। 98 पर पहुंच चुकी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा जागेश्वर 11 को, इस मैच में अगर कमबैक करना है तो यहां से विकेट चटकानी होगी क्योंकि अभी भी संजू और कैलाश बाहुबली यहाँ पर पैवेलियन में बैठे हुए। व्हाइट बॉल का इशारा, 99 पर पहुंच चुकी है, 5.2 कालीवाड़ी किंग 11। ये देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी है गणेश बाहुबली, देखिए कितनी लंबा छक्का इसने मारा है। और कप्तान का ये फैसला सही है इस खिलाड़ी को भेजना क्योंकि ये पावर हिटर है, और देखिए ये रिस्पेक्टेड बहुत खिलाड़ी है, शांत रहता है, कभी भी आपने इसको मैदान में देखा हो नहीं होगा कि अग्रेसिव है, हमेशा बैटिंग हो फील्डिंग हो चाहे कुछ भी हो ऐसे लगता है मैं बहुत छोटा खिलाड़ी है। ये मंगवा लीजिए, गेंद जाएगी, वन बाउंस चौकार, क्या बात है। और विष्णु को लगता है नॉन स्ट्राइक पर स्टैचू की तरह खड़ा कर दिया है। और देखिए विष्णु 11 गेंदों में 36 रन की पारी खेल रहा है, और बाहुबली देखिए 9 गेंदों में 29 रन की पारी, क्या बात है, जिम्मेदारी भरी पारी, 109। मुझे लगता है आशापुरा 11 का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है टीम। ओ भाई इसको इस तरह की गेंद डालोगे तो खाओगे तो 6 ही रन, क्योंकि ये गजब का बैटर है भाई, गजब का बैटर। हाँ दूसरा बॉल दू क्या, ये लो, आया आया, देखिए गणेश बाहुबली 350 का स्ट्राइक रन रेट से खेल रहा है। ये लो भाई बैक टू बैक सबसे लंबे छक्के लगाने वाला है, कहते हैं ना ये खिलाड़ी नहीं है, ये भाई जबरदस्त पावर हिटर है, जब हाथ में हो शूरवीर की तलवार तो हर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर षटकार। 11 गेंदों में 41 रन की पारी खेल रहा है, और लगता है ये डीके की तलवार है, डीके मांडवाड़ा। और देखिए 6 ओवर में 121, और गेंदबाजी में देखो किसको ला रहे, माना मैन फ्रॉम धान। अब 2 ओवर का खेल बाकी है, और 2 ओवर में देखिए विष्णु को, देखिए 11-11 रन पे दोनों भी खेल रहे हैं, लेकिन गणेश चौधरी ने
बाहुबली ने 11 गेंदों में 41 रन की पारी खेल रहा है और विष्णु ने 11 गेंदों में 36 रन की पारी। दोनों ने भी चार छक्के लगाए और गणेश बाहुबली ने 4 चौके और विष्णु ने 2 चौके लगाए। क्या बात है, फाइनल बहुत जबरदस्त होगा लगता है। लेकिन जागेश्वर को यहाँ पर पलटवार करना चाहिए, कमबैक करना चाहिए। मैं बोलता हूँ 125-30 के अंदर रोकना चाहिए। और शायद जो भविष्यवाणी की थी ना कैप्टन विष्णु ने, वो सच निकली है, सॉरी कैप्टन दिनेश ने, कि 120-130 के ऊपर मारेंगे। ओहो मानाक, ओहो कमाल की फील्डिंग। देख अब विष्णु स्ट्राइक यहाँ पर बाहुबली को दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कम सबसे कम गेंद में हाफ सेंचुरी बनाने वाला ये पहला खिलाड़ी बनना चाहिए। देखिए मेरी बैटिंग से ज्यादा तेरी चर्चा होनी चाहिए अपने दोस्त के लिए। यहाँ पर सैक्रिफाइस त्याग कर रहा है विष्णु। ओह उध्वस्त मस्त त्रिपल उध्वस्त, क्या बात है। और विकेट टेकर में नंबर वन पर शायद आ चुका है माना स्लोअर गेंद। और यहां पर बाहुबली बैक टू द पैविलियन। क्या बात है, और एक विकेट मिलता हुआ यहां पर माना को और शायद नंबर वन पर अभी आ जाएगा ये, क्योंकि गणेश बाहुबली के भी 6 विकेट हो चुके और माना के भी शायद 6 विकेट हो चुके और किशोर के भी 6 विकेट हो चुके। शायद माना का ये विकेट ऐड होगा। अब तक बेस्ट बॉलरों में गणेश चौधरी नंबर वन पर दिखा रहे, देखते। चलिए मैच का लेखा जोखा सुनाएंगे और नया स्टार संजू मैन फ्रॉम अहमदाबाद। ओह यहां पर कैच बनना चाहिए। ओह कैच नहीं। ओह देखिए विष्णु, देखिए चीते की तरह यहां पर निकल पड़े हैं क्योंकि वो जानता है ये सेमीफाइनल है, यहां से मुझे बैटिंग नहीं चाहिए। जितने रन बनने चाहिए ना उतने बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जागेश्वर के पास भी पूरी टीम पैक है, जैसे प्रकाश एनवी और माना, सुरेश भामरा, विष्णु, पिंटू, एक से बढ़कर एक धुरंधर आप देख सकते हैं इस मैदान के अंदर। ओहो संजू ऑन फायर, फिर से बड़ा प्रहार, खेल जाएगी सीमा रेखा पर, दमदार षटकार। 6.4 130 पर पहुंच चुकी है। देखिए दो सेमीफाइनल आपने देखा होगा, क्या बात है। हाईएस्ट ये भी बनाने की कोशिश करेगी आशापुरा 11 का जो रिकॉर्ड है 145, वो ब्रेक करने की पूरी संभावना है इस टीम के पास क्योंकि विष्णु बहुत ही फॉर्म में खेल रहा है, संजू भी जबरदस्त खेल रहा है। उध्वस्ता मस्ता त्रिपल उध्वस्ता माना, क्या बात है। नंबर वन विकेट टेकर गेंदबाजों में आ चुका है ये, यहां पर 2 विकेट सफलता मिली है और शायद 7 गेंदे बाकी है। थैंक यू डीजे, क्या बात है, बेहतरीन पारी यहाँ पर, एक से बढ़कर एक धुरंधर। छगन नया बैटर, छगन आखिरी गेंद है इस ओवर की। ओहो भाई इस गेंद को मंगवा लीजिए 6 रन के लिए, बॉल लेकर आइए भाई। मैच की बॉल लेकर आई, देखिए वो दीवार के ऊपर जी गई है। क्या दिनेश भाई पूरी पैक टीम बनाई है क्या, जो आता है वो छक्के मारकर चले जाता है। 6 खिलाड़ी जबरदस्त पैक बनाया तुमने, कालियाबाड़ी किंग 11। छगन कौन से गांव से बिलोंग करता है, अजारी, क्या बात है। अजारी के अपने भट्टे के 2 स्टार युवा स्टार को यहां पर लाया है। देखिए सीए रतन साहब और दिनेश भाई ने पूरी जिम्मेदारी दी थी विष्णु और दिनेश के कंधे के ऊपर, हम जानते नहीं है, बस हमें फाइनल तक लेके जाने का सफर आप दोनों के हाथ में। तुम कौन से भी खिलाड़ी लाओ बस वो सिरे के होने चाहिए,
सात ओवर के समाप्ति के बाद कालेवाड़ी किंग का स्कोर हो चुका 136 चार विकेट के नुकसान पर। जागेश्वर 11, यहाँ से काना को लाइए आखिरी गेंद खेल गेंदबाज ओबेस फील्ड और यहां से विष्णु स्ट्राइक अपने पास ही रखेगा और बनने भी चाहिए शायद दो रन क्योंकि विष्णु यहां पर जानता है क्योंकि विष्णु को अभी गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती हुएगी 138 और विष्णु 13 गेंदों में 39 रन की पारी खेल रहा है और अभी भी 5 गेंदें शेष है इस ओवर की। 138 पर पहुंच चुकी है कालेवाड़ी किंग 11। स्लोवर गेंद ये कैच बनना चाहिए ओहो कैच नहीं यहां से मैच छूटा है और काना का दिल टूटा है और देखिए काना चाहता है कि स्ट्राइक पर विष्णु नहीं आए यहां पर स्लोवर गेंद डाली थी काना ने इधर लगा ये युवा स्टार है और जबरदस्त गेंदबाजी की थी लेकिन यहां से कैच नहीं मैच हाथ से निकलता हुआ और टीम का स्कोर देखिए 140 और विष्णु के फैंस यहां पर चाहते हैं विष्णु की टीम चाहती है कि विष्णु की यहां पर हाफ सेंचुरी बने क्योंकि 49 पर पहली हाफ सेंचुरी नहीं बन पाई। ओहो ब्लॉक में डाली थी गेंद यहां से बन सकते हैं दो रन लेने की कोशिश प्रकाश और बन भी जाएंगे यहां से दो रन कमाल की गेंदबाजी यहां पर काना द्वारा देखने को मिल रही है। देखिए तीन गेंदों में यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए देखिए रिकॉर्ड ब्रेक करने की पूरी पूरी संभावना थी लेकिन काना ने क्या पलटवार किया है 3 गेंदें अभी बाकी है। ओहो स्लोवर गेंद जबरदस्त गेंदबाजी काना द्वारा देखिए 16 गेंदों में विष्णु 43 पर खेल रहे हैं और देखिए अपने हाफ सेंचुरी से 7 रन दूर है और 2 गेंदें बाकी है। देखिए कुबेर किंग के ऑनर हमारे मुकेश भाई धानपुर से बिलोंग करते हैं मच्छर की अगरबत्ती पूरे हिंदुस्तान में इनका ब्रांड फेमस है कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए। ओहो ब्लॉक में डाल दी गई हेलीकॉप्टर उठाने का प्रयास लेकिन यहां से मिल सकते दो रन क्या बात है। ओहो कमाल की गेंदबाजी काना ने और देखिए 144/4 कालेवाड़ी किंग का स्कोर आगे बढ़ता हुआ आखिरी गेंद है और अपने हाफ सेंचुरी से 5 रन दूर है लेकिन उसके कप्तान के थे 6 ही मारने गए तेरे को आखिरी गेंद है कप्तान बोल रहे हैं कि ये गेंद तेरे को कैसे भी करके मारना है। ओहो और निकल जाएगी शायद 4 रन के लिए क्या है बैट से हेलो 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 भामाशाह की अगली कड़ी में मैं नाम बताना चाहता हूँ हमारे जो अगले सहयोगी हैं वो है सुरेश देवाजी धवली कात्रिस वालों ने भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है रमेश उकाजी धानपुर कात्रिस वाले अमृत भाई भगाजी चापोल कात्रज वाले लाखाराम जी बाबा बाबरा जी
चंदवाड़ा कातरेज वाले, अरविंद भाई अमीरा राम जी पामेड़ा मार्केट यार्ड वाले, वेला राम जी रात्रा पामेड़ा सिकली वाले, कला राम जी बोग कालेवाड़ी वाले, धवली लॉयल टीम वालेकरवाड़ी, उस टीम ने भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, धवली रॉयल टीम वालेकरवाड़ी, दिनेश भाई खेमाजी मारोल कालेवाड़ी, सीए रतन भाई, सीए रतन आर चौधरी मोड़वाड़ी वाले, प्रागर राम जी संदवाड़ा सिकली वाले, बजाराम रामा बजाराम जी संदवाड़ा सिकली वाले, संपत भाई हिंजवड़ी, बजाराम जी गेला जी पालड़ी एमआईडीसी भोसरी, नारायण भाई मेयर मंडवाड़ा कालेवाड़ी, आकाश भाई उड़वाड़िया मार्केट यार्ड, वीराराम मुड़ाजी उड़वाड़िया मार्केट यार्ड, खुमाराम जी खंगार जी नागानी चाकन, नरेश भाई पावली डायरी, पन्नाराम जी लुंबाजी काग पिंपरी, अमराराम जी उनाजी पामेरा पिंपरी, नारायण भाई खिम काग नागानी पिंपरी, मोटाराम जी रावताजी पामेड़ा, भैरू भाई राजाजी अनादरा एमआरडीसी भोसरी वाले, नारायण भाई पामेड़ा नेहरू नगर, हीराराम सत्राजी पामेड़ा वारजे, शंकर भाई वीर झाड़ोली, उन भामाशाह ने भी जो अभी हाल फिलहाल मुंबई में हैं, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में शंकर भाई उन्होंने भी सहयोग किया है, मलाराम जी सेलवाड़ा वारजे, मनीष भाई चाकन और गोविंद भाई जेठमल जी, उन सभी भामाशाहों को कमेटी एसीएल 9 बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपकी वजह से आज हम इस मैदान पर अपने इस तरह का एक सफल प्रोग्राम सफल आयोजन करने में हम सक्षम हुए हैं, तो आप सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद। आंजना समाज सिरोही संगठन और चौधरी भाई, आप सभी भामाशाहों को बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना तन मन और धन से सहयोग किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री राजेश्वर आपके भंडार भरे ढके ऐसी हम कामना करते हैं, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इंटरवल तक देखिए अब पूरा पिक्चर बाकी है, और सलामी की छोड़ी यहां पर आ चुकी है, एनवी नॉन स्ट्राइक पर है, और स्ट्राइक पर है प्रकाश, बल्लेबाजी कर रहे हैं झकास, और गेंदबाजी में लगता है महेंद्र माही मैन फ्रॉम अजारी। देखिए गणपति बाप्पा मोरिया लव कर चिंकुन घरिया, पहली गेंद यहां पर क्या कमाल की गेंदबाजी डाली है। अब देखिए माउंट आबू की तरह यहाँ पर पहाड़ खड़ा किया है, और आशापुरा 11 ने जो टारगेट खड़ा किया था ना 145 का, उसको ब्रेक किया है, और लगता है ब्रेक करने के लिए एक घंटा भी नहीं लिया है, कहते हैं ना रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, और यह रिकॉर्ड टूट चुका है, कालेवाड़ी किंग ने तोड़ा है 148। ओह जबरदस्त प्रहार, यहाँ पर बाहुबली है तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी पावर हिटिंग के साथ मैदान पे उतरे, क्योंकि वो कोशिश यही रहेगी कि पहली दो ओवर में कम से कम 30 से 35 रन बनाने की कोशिश, क्योंकि पहाड़ की तरह यहाँ पर माउंट आबू की तरह यहाँ पर पहाड़ खड़ा किया है टीम कालेवाड़ी किंग ने। ये तो छोड़ेगा नहीं, ये मारोल का विराट कोहली है, और देखिए
અને રાજસ્થાન લાવા થી આવી રહ્યો, કડે ગાંવ થી આવી રહ્યો, મારવાડ થી આવી રહ્યો. હા એસા લગના છે કે મારવાડ મેં હૈ, ક્યુંકિ યે શૂરવીર સાઈડી મહારાષ્ટ્ર હોકર ભી એસા લગતા હૈ સબકો હમારા ચૌધરી બન ગયા લગતા હૈ મારવાડ કા સિરોહી કા, ક્યુંકિ અભી ઇતને સાલોં સે ઇન સમાજ કે સાથ જુલતા હું, જૈસે ચૌધરી, માલી, દેવાસી, પ્રજાપતિ, સેન, રાજપૂત, પુરોહિત, સબ સમાજ કે સાથ મેરા રિલેશન હૈ ઓર બહુત હી અચ્છા ગહેરા રિલેશન હૈ. જૈસે પ્રજાપતિ હો, મેઘવાલ હો, સુતાર હો, રાવલ હો, સબકી ટૂર્નામેન્ટ કરતા હું. ઓર સિરોહી ઓર ઝાલોર મેં એસા કોનસા ગાંવ નહીં જહાં પે અપના નામ નહીં હૈ. ओवर गेंद और माना ने वेट एंड वॉच किया और आखिरी गेंद को तक गेंद का सम्मान दिया. क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी. माही यहाँ पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहली ओवर प्रगति पथ पर है. गोल्डन डक का शिकार होता हुआ एनवी बैक टू द पेवलियन. क्या जबरदस्त कैच लिया है विष्णु मैन फ्रॉम मारुल का. विराट कोहली आज बेहतरीन पारी खेली अपनी सेमीफाइनल में, 49 रन पर नॉट आउट रहकर बैक टू द पेवलियन. आज दिनेश 8 रन बनाकर जब गया तो ऐसा लगा कि टीम फंस सकती है, लेकिन विष्णु और गणेश बाहुबली ने क्या जिम्मेदारी भरी पारी खेली है. संजय संजू मैन फ्रॉम अहमदाबाद और ये भी बैटर गेंदबाजों का करता है करियर बर्बाद. नाम है संजू मैन फ्रॉम अहमदाबाद. देखिए इस ओवर की 5 गेंदें अब तक हो चुकी है. पावर प्ले का ये पहला ओवर है, 2 ओवर का पावर प्ले है, तो 2 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगी टीम जागेश्वर 11. ओहो कुटना टेक तमाशा देख और यहाँ पर देखिए ये, देखिए ये फील्डिंग होती है. संजू क्यों मुझे आइकॉन खिलाड़ी माना जाता है सिरोही का, ये यहाँ पर दिखा रहा है. अहमदाबाद में बहुत सारे टूर्नामेंट ये खेल लेता है और अपने समाज का नाम रोशन करता है. देखिए एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन और देखिए विकेट टेकर गेंदबाज को यहाँ पर लाया है कैप्टन दिनेश ने. देखिए माना अब गेंदबाजों के लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुका है. माना ने 8 विकेट लिए और सेकंड नंबर पे गणेश बाहुबली. गणेश के 2 विकेट अब यहाँ पर मिलते हैं तो गणेश नंबर 1 पर आ सकता है. क्या कमाल की गेंदबाजी माना, यहाँ पर बड़ा फ्लिक लगाना जानते थे लेकिन गणेश बाहुबली ये कमाल का गेंदबाज है. हाँ देखिए इस टूर्नामेंट को क्रिक लाइव के जरिए टेलीकास्ट किया जा रहा है और कैमरामैन की भूमिका में सुजल खोत और साहिल जाधव. देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. और देखिए माना के बल्ले से निकला ये दमदार पलटवार षटकार. क्या बात है, माना मैन फ्रॉम धान. क्या बात है, बाहुबली के खिलाफ ये जबरदस्त स्ट्रोक खेला है क्योंकि माना जानते हैं कि ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है. क्या बात है, यहाँ पर कमबैक किया है. देखिए ये दोनों जो बैटर और बॉलर है ना इनके बीच में एक जंग छिड़ चुकी है क्योंकि जो बैटिंग कर रहे माना वो नंबर 1 पर है विकेट टेकर में, गेंदबाज में, जिन्होंने अभी पिछली मैच में 2 विकेट छटका के यहाँ पर नंबर 1 पर चला गया 8 विकेट लेकर और गणेश बाहुबली नंबर 2 पे आ चुके हैं. और देखिए स्लोवर गेंद, एक ही रन मिलेगा. देखिए फील्डिंग, देखिए कमाल की फील्डिंग. जागेश्वर 11 इस टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1.4 यानी दूसरी ओवर के 4 गेंदे हो चुकी है और 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरे सेमीफाइनल और यहाँ पर माउंट आबू की तरफ पहाड़ खड़ा किया है, यहाँ पर पलटवार करना चाहिए और ये विकेट बन सकता है और ये विकेट टेकर गेंदबाज है और मिल भी जाएगी विकेट. क्या बात है, गणेश बाहुबली शॉट सिलेक्शन खराब था, ये प्रकाश को उधर शॉट नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि फील्डर वहां पर सजाया था और ये विकेट टेकर गेंदबाज है.
और देखिए कैप्टन उसको कह रहा है कि देख एक बॉल बाकी है और एक विकेट लेना है, तुझे इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर बनाना है। क्या बात है, माना जो नंबर वन पर है और अब एक विकेट की जरूरत है। अगर एक विकेट लेते हैं तो फिर से नंबर वन पर आ जाएंगे गणेश बाहुबली। देखिए टूर्नामेंट कोई भी जीते लेकिन बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द सीरीज बनना इतना आसान नहीं है। देखिए आपको याद दिला दूं कि रायगढ़ से हमारे केतन मात्रे जिन्होंने 32 या 33 बाइक जीती है, जो बाइकर मैन कहा जाता है, उसी तरह आज यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार कौन बनेगा। और जागेश्वर 11 अगर जीतती है तो 51,000 रुपया धौली की तरफ से। क्या बात है, दिनेश भाई ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि जागेश्वर 11 अगर जीतती है तो 51,000 रुपये का इनाम धौली की तरफ से। क्या बात है, ओहो ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। क्या बात है, सुरेश भामरा ऑन फायर। और देखिए मुझे लगता है कैलाश बाहुबली को लाने की कोशिश है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, नहीं यहाँ पर फिर से महेंद्र को लाने की कोशिश अजारी से। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, पहला मैच धवली वॉरियर्स अगर जीतती तो ये 1,51,000 रुपया कैश प्राइज मिलता था यहाँ पर प्रोमना 11 की तरफ से। और अभी धवली ने प्राइज लगाया कि जागेश्वर 11 अगर जीतती है तो 51,000 रुपया। क्या बात है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। देखिए ये इतनी बड़ी बोली खाली चौधरी समाज में ही लग सकती है। ओहो ऑफ कटर गेंद। और देखिए आपको याद दिला तो सिकवाड़ा की टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट था और अजबरगढ़ के उस भामा शाह ने लगाया था एक मैच जीतने के लिए 5.5 लाख रुपए की बोली, ये भी रिकॉर्ड बन चुके हैं। और अभी देखिए ये दूसरा रिकॉर्ड बनता हुआ कि एक मैच जीतो 51,000 ले लो। व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ कटर गेंद लाइन से थोड़ी सी बाहर जाती भी, चलेगा कोई बात नहीं है। 3rd ओवर प्रगति पथ पर है। माना के माना और सुरेश भामरा के इस दोनों के कंधे के ऊपर जिम्मेदार रहेगी अपनी इस मैच को जीतने की। ओह क्लास देखे इस खिलाड़ी का, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। मुझे लगता है नरेश है मैन फ्रॉम मारोल और मारोल का ये चीता है भाई, फील्डरों में मारोल के लिए इसके जैसी फील्डिंग आज तक मैंने देखी नहीं है। विष्णु के बाद इस खिलाड़ी का नंबर आता है, बेस्ट फील्डरों में से मारोल में इस खिलाड़ी को लेते हैं। इसके हाथ में जब गेंद जाती है ना तो चिपकती है, मैंने इसको बहुत सारे मैदान में देखे। ओह स्लोवर गेंद, ओह क्या बात है, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते ना उसी तरह यहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं। वो घूमता ही नहीं है, सीधा पीछे देखता भी नहीं है। और हमारे चौधरी समाज के लोग बोलते भाई इसके पीछे आग भीग तो नहीं है ना, इस तरह स्टम्प उखाड़ लेता है। नाम है दिनेश डीके, मैन फ्रॉम मांडवाड़ा। चलो चाय की व्यवस्था हो चुकी है और हमारे वाडोली के सुपुत्र हिमांशु भाई जो मेरे बड़े भाई है वो चाय लेकर आई है। अरे क्या बात है, चाय की व्यवस्था हो चुकी है, किसी भी भाई को अगर चाय पीना है तो जाइए और चाय पीकर आइए। देखिए और एक विकेट का पतन, सुरेश भामरा इज गॉन। हेलो हेलो थैंक यू डीजे। और देखिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हमारे कमेटी के समाज सेवक जो उद्योगपति है
कुमाराम जी चौधरी नागानी के सुपुत्र, और इनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है पाइपलाइन का, और ऑल ओवर इंडिया ये सप्लाई करते हैं। लेकिन देखिए, इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी ये हमारे समाज के साथ, देखिए उनकी उम्र तो निकल चुकी है क्रिकेट खेलने के, लेकिन युवाओं को जोश दिलाने के लिए, देखिए कल दो दिन से मैं देख रहा हूँ पूरी यहाँ पर लेखा जोखा करके हमारी कमेटी को एक अलग ही भूमिका निभाते उद्योगपति है कुमाराम जी चौधरी, मैन फ्रॉम नागानी के सुपुत्र, और बहुत बड़े उद्योगपति, इनका बिजनेस है पाइपलाइन का। और देखिए ये इतने बड़े भामाशाह, पूरा लेखा जोखा जो मुझे सिरोही के 11 परगना की पूरी लिस्ट दी थी ना, वो इन्होंने दी थी। वैसे तो मैं अबूगढ़ जालोर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे परगना को जानता हूँ, वैसे ये जय अंजनी माता आई नमः, जय राजेश्वर भगवान नमः, सिरोही जिला के परगना में 11 परगना आते हैं, जैसे अबूगढ़ परगना, अनादरा परगना, वाड़ोली परगना, तेजापुर परगना, महादेव जी परगना, बगरा परगना, और यहाँ पर देख सकते हैं मित्रत परगना, रेवदर परगना, साठे परगना, और खिलजी परगना, और भिद्रत परगना। ये 11 परगना से बनी हमारी पूरी सिरोही, और 11 परगना के खिलाड़ी आपको इस पट्टे में देखने को मिल सकते हैं। और 11 परगना से ये खिलाड़ी आए हैं, कोई राजस्थान से आए, कोई बेंगलोर से आए, कोई कर्नाटक आए, कोई हैदराबाद, कोई गुजरात, कई कई से ये खिलाड़ी आ चुके, कोई महाराष्ट्र से आए, बहुत सारे खिलाड़ी दूर दूर से आए। स्कोर सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, और गेंदबाजी में देखिए संजू को लाने की कोशिश, 3 विकेट गिर चुके। और देखिए इस गेंद को निकाल दिया है थर्ड मैन रिजर्व में, लेकिन फील्डिंग देखिए जान लगा रही है पूरी टीम, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और विष्णु विकन आवाज की एक ही आवाज, विष्णु इसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, और माना के कंधे के ऊपर जवाबदारी रहेगी। और डॉट बॉल के लिए क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है संजू द्वारा। अरे ओ प्रोमना कटे जाविरियो, आवरो आवरो, हाँ हाँ हुटिंग करने के लिए भी प्रोमना, अरे क्या बात है, हाँ पिया बोली रही हो, प्रोमना कर रहे हो, पिया बोली रही हो, इसका मतलब है कि मैं हम लोग पैसा बोलने के लिए यहाँ पर आए, हुटिंग कर रहे। व्हाइट बॉल का इशारा, देखिए मुझे लगता है ये भी मैच शायद वन साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच जब वन साइड होते हैं ना तो कमेंट्री में भी मज़ा नहीं आता है। मैच भले कोई भी जीते, हारे जीते से फर्क नहीं करता, बस हमारा समाज जीतना चाहिए। वाइट बॉल का इशारा, टॉस जीतकर कैप्टन दिनेश जी का जो फैसला था ना, मारोल से बिलोंग करते कि इसके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे, विदाउट प्रेशर में बल्लेबाजी करने का जो स्लोवर गेंद, और इसको पिक किया विष्णु 6 रन के लिए, बस हो गया। विष्णु को इसी तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, हर गेंद पर बड़ा प्रहार। देखिए मैच अभी भी ऑन है, 4 ओवर अभी भी बाकी है। देखिए अब मैच चाहिए 26 गेंदों में 115 रन की ज़रूरत है, करंट रन रेट है 9.27, और रिक्वायरमेंट चाहिए 26.54, हर गेंद पर बड़ा प्रहार। ओह क्या बात है, विष्णु के बल्ले से निकला और एक दमदार षटकार। किधर गया, क्या बात है, बैक टू बैक दो गेंदों में 2 तूफानी छक्के देखने को मिले हैं विष्णु चौधरी।
और एक विकेट का पतन, बैक टू द पैविलियन। क्या बात है, और नया गेंदबाज को मुझे लगता है गणेश बाहुबली को लाने की कोशिश होगी, क्योंकि कैप्टन चाहते हैं कि नंबर वन पर हमारा गेंदबाज आ जाए, लेकिन नहीं, विष्णु को लाने की कोशिश लगता है। चार ओवर के समाप्ति के बाद जागेश्वर इलेवन टीम का स्कोर हो चुका है चार ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौधरी समाज के भामाशाह 21,000, श्री सवाराम जी, रूपाराम जी, लोगरो और पोसिंदाराम 15,000 रुपया, श्री प्रकाश कुमार, अमृतलाल जी काग नागानी 11,000 रुपया, श्री पीयूष दीपाराम जी पुरियातर गुलाबगंज 11,000 रुपया, धौली रॉयल टीम बालेकर वालेकरवाड़ी ग्रुप 11,000 रुपया, श्री सीए रतन जी रोमा जी गाड़िया लुनोल 11,000 रुपया, श्री कुमाराम कंगाराम जी काक नागानी जो बिजनेसमैन है, जो हमारे समाज सेवक भी है, जो मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके, और 11,000 से पन्नाराम जी लुम्बा जी काक नागानी और गणेश बाहुबली। ओह, गेंद जाएगी वन बाउंस, सी मारेगा के बाहर 4 रन के लिए। 11,000 से गोविंद जी जेठमला जी रातड़ा पामेरा, जेठमल जी रातड़ा पामेरा 7,100 से रमेश जी लाखा जी दौली, 7,100 श्री बवाराम रणछोड़ जी काग नागानी, 5,100 श्री पद्माराम पन्ना जी मुजी धांधपुर। मैच की ओर जाएंगे, ओह फिर से बड़ा प्रहार करने की कोशिश, यहां से मिल सकते एक ही रन, क्या बात है। फिर 5,100 श्री किरण कुमार जी मोतीलाल जी रातड़ा पामेरा, 5,100 रुपया श्री विष्णु कुमार भावाजी पुरियातर मालगांव, 5,100 रुपया श्री रूपाराम जी वाधाजी लोगरार पोसिंदारा। हमारे भामा साहब जिन्होंने एपीएल 9 के लिए ये सब चढ़ावा दिया है। ओह जबरदस्त गेंदबाजी, 5,100 श्री वालाराम जी लुम्बाजी धोरिया पोसिंदारा। वालाराम जी की बात करूँ तो रमेश भाई धोरिया के बड़े भाई है, और इनके घर पे मर जा चुका हूँ पोसिंदारा में जो टूर्नामेंट हुआ था। फिर 5,100 रुपया श्री रितेश जी रामलाल जी धानपुर, 5,100 रुपया श्री लकाराम जी बाबरा जी कुनिया सनवाड़ा, और ये कैच बनना चाहिए नहीं, 6 रन के लिए, क्या बात है। विकेट टेकर ओहो क्या बात है, और यहाँ पे और एक सबसे बड़ी बोली लग चुकी है। थैंक यू डीजे। जागेश्वर इलेवन अगर जीतती है तो प्रोमरा वॉरियर्स की तरफ से 2,51,000 का चढ़ावा, क्या बात है। हिसाब रोकड़ा भाई, देखिए जागेश्वर के फैन है, प्रोमरा इलेवन की तरफ से 2,51,000। देखिए अभी भी 2 गेंदे शेष है, और गणेश बाहुबली को यहाँ पर लाया है ताकि विकेट मिल सके। ये विकेट टेकर गेंदबाज है, और इस ओवर की 2 गेंदे अभी बाकी है। और 5,100 रुपये श्री दिनेश जी खीमाजी मारोल जो इस टीम के कप्तान है, और 5,100 रुपये श्री प्रागाराम रामाजी वागड़ा सनवाड़ा, 5,100 श्री वजाराम जी मालाजी वागड़ा सनवाड़ा। ओहो क्या बात है, 5,100 रुपये श्री वनाराम गेला जी गाड़िलिया गुलाबगंज, 5,100 रुपया श्री नरेश भाई पावली, 5,100 रुपया श्री हीराराम चतराजी रातड़ा पामेरा, 5,100 रुपया भेरूभाई रानाजी वागड़ा अनादरा, 5,100 रुपया श्री वेलाराम जी अनाजी भादरवार पामेरा, 5,100 रुपया श्री वेलाराम विराजी रातड़ा पामेरा। ये सारी भामाशाह है। ओहो क्या बात है, कप्तान ने इस गेंदबाज को इसलिए लाया था ताकि विकेट मिल सके। ओहो क्या बात है, जबरदस्त विकेट, लेकिन नहीं, क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। चलिए बाहुबली के पास और एक चांस रहेगी, क्योंकि बाहुबली की टीम एक मैच कम खेली है। देखिए लगता है 5 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जागेश्वर इलेवन इस टीम का स्कोर हो चुका है 5 ओवर 51 और 4 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी में लगता है कौन है गेंदबाज,
सुरेश। अल्केश, क्या बात है, एक नए गेंदबाज को यहां पर लाने की कोशिश की है टीम ने, कप्तान ने, क्योंकि वो चाहते हैं मौका सबको मिलना चाहिए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ओह कमाल की फील्डिंग छगन द्वारा, लेकिन यहां से मिल जाएगा सिंगल, सिंगल से अब काम नहीं चलेगा। और श्रीमान सोपा जी, लाला जी, वागड़ा सिलोइया, ये हमारे धनजी हैं जिनकी तरफ से सारे जर्सी के भामाशाह है, जो डीके भाई, ओके लखमो अविरियो, ओके और थैंक यू डीजे। और एपीएल 10 के लिए अगर कोई हमारे समाज से भामाशाह बनना चाहता है तो अभी से नाम लिखवा सकते हैं अगले साल के लिए जर्सी के लिए, क्योंकि यहां से आपके ब्रांड का नाम ऑल ओवर इंडिया में फेमस होता है। देखिए समाज की एक लेन देन होती है, आप समाज को अगर कुछ दोगे तो हमारे भगवान राजा राम जी महाराज आपको बहुत सारा देंगे, 10 गुना देंगे। देखिए नरेश, ये तो गेंद छोड़ेंगे नहीं भाई, इसके हाथ में फेविकोल लगाया हुआ था कि मालूम नहीं, जबरदस्त फील्डर में से एक है, मारुल का चीता ये। देखिए मैच हाथ से निकलता हुआ पूरा, आप 13 गेंदों में 90 रन की जरूरत है। और एक विकेट का पतन, शिकार पकड़ लिया है, माना इज गॉन। देखिए जागेश्वर 11 टीम का स्कोर हो चुका है 59, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों में चाहिए 90 रन। और देखिए अब गेंदबाज कप्तान ने किसको लाया, मारोल का विराट कोहली, विष्णु को यहां पर लाया है। भाई सबसे कंजूस गेंदबाज है ये, पिछली मैच में आपने देखा होगा सिर्फ 1 रन का ओवर डाला था, और देखिए इस मैच में भी, क्योंकि कप्तान इस गेंदबाज को ज्यादा यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसको फाइनल को बचा के रख रहे। ओह बेस्ट फील्डरों की लिस्ट में ये आएगा ऊपर, ये बात तो पक्की है भाई। मैच पूरा हाथ से निकलता हुआ, कहते हैं ना एक तरफा प्यार और सेमीफाइनल की हार बर्दाश्त नहीं होती है। ओहो ओ देखिए वो बोल रहा है कि बॉल उधर गई, ताकि बल्लेबाज थोड़ा सा भी आगे निकल जाए नजर गुल तो यहाँ पर विकेट गुल, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये नंबर 1 विकेट कीपर में क्यों आता है इसकी वजह आप देख सकते हैं। ओहो देखिए सबसे कंजूस गेंदबाज है ये, ओहो क्या बात है, मैच पूरा वन साइड होता हुआ क्योंकि टारगेट इतना दिया है टीम कालीबाड़ी किंग ने, जबरदस्त 148, जो 1 घंटे पहले 145 का आशापुरा 11 ने जो टारगेट सेट किया था उसको ब्रेक किया है। क्या बात है, सबसे कंजूस गेंदबाज है ये मारुल का विराट कोहली विष्णु, और ये ऑफ कटर लेग कटर गेंद डालता है ना तो बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत आती है, इसकी गेंद समझ में नहीं आती कौन सी गेंद ये स्विंग कर रहा है। और देखिए क्या बेहतरीन पारी खेली थी इसने, जिम्मेदारी भरी क्योंकि कप्तान शायद डीके मांडवाड़ा 8 रन जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लिया था।
देखिए, लेकिन यहाँ पर कप्तान जो है दिनेश भाई, जो मारोल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखो ये सेमीफाइनल का मैच था, वो चाहते तो यहाँ पर महेंद्र के बाद संजू को भेज सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हिट निकले और वही पावर हिटर बाहुबली को भेजा। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है, जो गणेश बाहुबली और संजू को उन्होंने पीछे रखा, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि रन रेट जितना बड़ा होगा ना उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि गणेश बाहुबली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको 10 12 या 15 गेंद का ही खिलाड़ी है, इसको 10 15 गेंद अगर मिली तो 7-8 छक्के इसके फिक्स होते, ताकतवर खिलाड़ी है के पास। और फिर से वापस जाना होगा और ये कैच बन सकता है और 6 रन के लिए ये कैच बनना चाहिए। और गेंदबाजी में देखो किसको लाया, नरेश। और यहां से फिर से से काम चलेगा, छक्के से भी काम अब नहीं चलेगा, पूरा मैच अब हाथ से निकलता हुआ। ओवर फुल टॉस गेंद, यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन फील्डिंग देखिए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और ये भी सेमीफाइनल वन साइड होती भी। कमाल की गेंदबाजी नरेश द्वारा, मैन फ्रॉम सातवीं ओवर शायद प्रगति पथ पर है। यहाँ पर स्टेट ड्राइव देखने को मिला लेकिन अहमदाबाद का आइकॉन है, सुपरस्टार खिलाड़ी है। ओवर और दूसरी सेमीफाइनल यहाँ पर जागेश्वर 11 बाहर जाती हुई और दो फाइनल इस टीम यहाँ पर आ चुकी है, एक है